हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी इस टाइप के लाइट को अपनी साइकिल के लिए कैसे बना सकते हैं। सो इस लाइट में आपको मल्टीपल ब्लिंकिंग मोड्स प्रोवाइड की गई है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमें इस ब्लू एलईडीज़ को लेना है। तो एलईडीज़ की पॉजिटिव पिन में मैंने रेड वायर को कनेक्ट कर लिया है और एलईडीज़ की नेगेटिव पिन में मैंने इस ब्लैक वायर को कनेक्ट कर लिया है। तो एलईडी के ऊपर मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू को लगा लिया है और इसे हमें कुछ इस तरीके से एलईडी रिफ्लेक्टर के अंदर फिक्स कर लेना है। तो सेम मेथड से हमें इसे दूसरे साइड में भी फिक्स कर लेना है। तो अब इसकी वायर्स को मैंने अरेंज करने के लिए ट्रांसपेरेंट टेप का यूज़ किया है। तो यहाँ पर इसकी वायर्स अरेंज हो चुकी है। सो दोनों एलईडीज़ की वायर्स को हमें पैरेलली कनेक्ट कर लेना है। सो इस रेड वायर को हमें रेड वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है और इस ब्लैक वायर को हमें ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स वायर को एक्सटेंड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एडिशनल रेड और ब्लैक वायर का यूज़ किया है। तो इस रेड वायर को हमें एलईडीज़ की रेड वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है और इस ब्लैक वायर को हमें एलईडीज़ की ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये दोनों एलईडीज़ की कॉमन पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स, तो वायर जॉइंट्स को मैंने यहाँ पर अच्छे से टेपिंग कर लिया है।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक 1K की रजिस्टर को लिया है। सो रजिस्टर की एक टर्मिनल को हमें LEDs की नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है और इसकी अनदर टर्मिनल को हमें कंट्रोलर की आउटपुट नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है। सो LEDs की पॉजिटिव वायर को हमें कंट्रोलर की आउटपुट पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो वायर्स कनेक्ट हो चुकी है। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसकी वायर्स को अच्छे से अरेंज कर लिया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कंट्रोलर अच्छे से फिक्स हो चुकी है और यहाँ पर ये स्विच। सो स्विच अभी ऑफ पोजीशन पे है और यहाँ पर लाइट्स ऑफ है। तो अब मैंने स्विच को ऑन किया और लाइट्स ऑन हो चुकी है। सो फ्रेंड्स चलिए अब इसकी ब्लिंकिंग मोड को चेंज करते हैं। सो इस मोड बटन को प्रेस करने से इसकी ब्लिंकिंग मोड चेंज होती है। सो इस स्पीड बटन से आप इसकी ब्लिंकिंग स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और इस लाइट बटन से लाइट कंटिन्यूस ऑन रहती है। सो फ्रेंड्स यहां पर आप इसकी डिफरेंट ब्लिंकिंग इफेक्ट्स को देख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चलिए अब इसकी नाइट व्यू को भी देख लेते हैं।